आज सुनवाई की तिथि पहले से तय थी और बीसीसीआई ने दो एप्लीकेशन लगाया था कि श्रीनिवासन साहब को ड्यूटी करने दिया जाए प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं की है और उनके खिलाफ़ कोई भी चार्जेज प्रूव नहीं है। तब जज ने कहा कि सील्ड कवर में जो 13 नाम है उसमें 13वां नाम श्रीनिवासन साहब का है, और जज साहब का यही था। बीसीसीआई के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो इसको करप्शन फ्री करना तो आप कोर्ट को सजेस्ट करो कैसे होना चाहिए। तो बीसीसीआई के थ्रू करना है कि पुलिस के थ्रू से, हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस के थ्रू हो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मंशा है कि एक इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रिटी पर किसी तरह की आँच नहीं आवे। बीसीसीआई को देना है कि बीसीसीआई क्या चाहता है, क्योंकि कोर्ट ने अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है कि जो भी जांच होगा जांच तक बीसीसीआई के अध्यक्ष अपने पद पे कायम नहीं रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने ये भी बहुत बड़ी बात कही है कि उन वो चीज़ भी वो देखेंगे कि आखिर आईसीसी के मीटिंग में किसके ऑथराइजेशन से श्रीनिवासन मीटिंग अटेंड करने गए थे। आईपीएल के सीईओ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनील गावस्कर साहब ने एक चिट्ठी कोर्ट को भेजी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह का डिसीजन मुझसे नहीं लिया जा पा रहा है क्योंकि मेरे संबंध उनके पहले से अच्छे हैं और ये अनुभवी आदमी हैं, तो कोर्ट ही डिसाइड करे कि क्या करना है। तो कोर्ट ने क्रिकेट को देखते हुए, आईपीएल को देखते हुए, आईपीएल 2014 में उनको सीईओ के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है।